Good morning, dear student. Today I am going to start topic solid state. Okay. Basically, 12th ka pehla chapter hai solid state, hai na? Physical chemistry ka, hai na? Agar chemistry ka baat kare to total 3 part hota hai: physical, organic, aur inorganic, hai na? So solid state is the first part of physical chemistry, first topic of first chapter of physical chemistry. Okay. बेसिकली हम लोगों को मैटर में बताया जाता है कि मैटर मेनली थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? तो सॉलिड स्टेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो 12th में पढ़ते हैं. एक स्टेट ऑफ मैटर नाम का चैप्टर आता है, गैस स्टेट, जिसको हम लोग 11th में डील करते हैं ना, और एक लिक्विड स्टेट होता है जिसमें सॉल्यूशंस और सरफेस केमिस्ट्री, उसको भी हम लोग कहाँ डील करते हैं, 12th में डील करते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली सॉलिड स्टेट में हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो टाइप पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर सॉलिड दो टाइप का होता है ना. ऑन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ पार्टिकल दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना? अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना? वो सारा चीज़ हम बता के रखे हुए कि अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, ठीक है ना? बेसिकली हम लोगों को सॉलिड स्टेट में बहुत सारे कंपाउंड का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है. NaCl का स्ट्रक्चर, ZnS का स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, है ना? वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना? बेसिकली वो जितना भी सॉलिड्स है, हर सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल का एक क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है, है ना? वो जितने भी सॉलिड्स है उन सारे सॉलिड्स में पार्टिकल्स का 3D में क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है. मतलब पार्टिकल क्या है, रेगुलर बेसिस पे क्या है, 3D में क्या है, अरेंज है, ठीक है ना? अब जैसे तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज क्या, यूनिट सेल. यूनिट सेल होता क्या है, है ना? यूनिट सेल बेसिकली होता क्या है, है ना? जैसे अगर इस दीवार का हम लोग बात करें, है ना, इस वॉल का बात करें, दीवार का, ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्या ब्रिक से बना होगा, ब्रिक से बना होगा, है ना? तो अगर इस वॉल का अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिक बोलेंगे. ब्रिक क्या है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है. अगर ब्रिक को लगातार अगर हम लोग रेगुलर पैटर्न पे अगर अरेंज करते हैं तो क्या क्रिएट हो जाएगा, वॉल क्रिएट हो जाएगा. वैसे ही यूनिट सेल जो होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. क्या है, सबसे छोटा यूनिट है ना, जिसको अगर हम लोग बार बार रिपीट करें तो एक क्रिस्टल का क्या होगा, जनरेट होगा. एक क्रिस्टल क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज यूनिट सेल, है ना? लिखिए व्हाट इज यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट repeating unit in any crystal which on repetition again and again generates the whole lattice. is known as unit cell. Unit cell has same properties. Unit cell has same properties as entire crystal. है ना? बेसिकली क्या है,
कहने का मतलब है, अभी हम जस्ट एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यूनिट सेल होता क्या है, किसी भी क्रिस्टल्स का क्या है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो एक क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि यूनिट सेल मिला मिला के क्रिस्टल बन रहा है ना, तो जो यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टी होगा वही क्या होगा, बाकी क्रिस्टल का भी क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि क्रिस्टल जो बना वो किससे बना है, यूनिट सेल को ही जोड़ जोड़ के बना है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। तो हम लोग यूनिट सेल को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिखिए, यूनिट सेल इज आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिट सेल इज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। फर्स्ट लिखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकेंड लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल का दो पार्ट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। अब बाद में इसका भी फर्दर क्या होगा, सब डिवीजन होगा, इसका भी क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता क्या है, एटम जो प्रेजेंट होता है ना, एटम जो प्रेजेंट होता है, बस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, किसके कॉर्नर पे, तो क्यूब के कॉर्नर पे। प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एटम बस कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, क्यूब के कॉर्नर पे, ठीक है ना। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्यूब के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्योंकि इसका सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला है ना, सॉलिड स्टेट में क्या पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला क्यूब के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में हम बता देते हैं, इस क्यूब ये क्या है, क्यूब है ना, इसके एज लेंथ को हम लोग क्या है, ज़ूम कर रहे हैं, ए, ठीक है ना। अब क्यूब का क्या होता है, सारा के सारा एज क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब में देखते हैं कि कॉर्नर कितना है, कितना कॉर्नर है बेसिकली, है ना। तो अगर कॉर्नर का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर, है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 8, है ना। अगर हम लोग बात करें एज का, किसका बात करें, एज का, है ना, एज मतलब क्या, किनारा, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना एज हो जाएगा, 12 एज। तो लिखेंगे 12 एज, नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम लोग बात करें फेस, किसी क्यूब में कितना फेस होगा, अगर इस रूम का ही, अब हम लोग सॉलिड स्टेट अभी पढ़ रहे हैं, तो इस रूम को हम लोग क्या है, ज़ूम करेंगे कि ये रूम हम लोगों का क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। तो चार फेस, तो एक ऊपर फेस, दो एक नीचे, दो फेस और चार ये, है ना। जैसे यहाँ से अगर देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, कितना फेस हो गया क्यूब में, 6 फेस। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू 6, दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अब देखिए, अगर इस लेंथ का अगर बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेस डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, फेस के डायगोनल को क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, है ना। अगर इसके लेंथ को अगर हम लोग बात करें, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, है ना, ये ए, और ये भी क्या, ए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2√a, है ना। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना निकल गया, 2√a, देखिए लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज इक्वल टू 2√a, हाँ सॉरी, हाँ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 2a² क्या हो जाएगा, a√2, है ना, वो गलत बोल दिए थे, कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2, दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए, आप लोगों को क्या लग रहा है कि एक फेस पे कितना फेस डायगोनल है, दो है ना, एक फेस पे कितना फेस डायगोनल, दो, हमारे पास कितना टोटल फेस है, 6 फेस है, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12। अगर कोई पूछ दे कि एक क्यूब में कितना फेस डायगोनल होता है, तो कितना हो जाएगा, 12, एक फेस पे दो फेस डायगोनल है, तो डेट इज 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ फेस डायगोनल इज इक्वल टू 12, दिक्कत है नहीं ना। तो फेस डायगोनल का लेंथ हम लोग को पता चल गया क्या, √2a, a√2, है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी डायगोनल, देखिए बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, है ना, इस कॉर्नर को
और इस कॉर्नर को मिला देंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये रूम है, इस कॉर्नर के एकदम सामने वाला नीचे वाला कॉर्नर क्या है, वो वाला, तो इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है, रूट थ्री ए होता है। ये लेंथ कितना होता है, रूट थ्री ए, है ना। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट थ्री ए, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट थ्री ए, है ना। अच्छा आप लोग बताइए इस क्यूब में कितना कॉर्नर है, आठ कॉर्नर, आठ कॉर्नर है, दिक्कत है नहीं ना। दो कॉर्नर को मिला के एक बॉडी डायगोनल बन रहा है, दो कॉर्नर को मिला के, दो कॉर्नर को मिला के क्या बन रहा है, एक बॉडी डायगोनल। तो हमारे क्यूब में कितना कॉर्नर है, आठ, तो कितना बॉडी डायगोनल हो जाएगा, चार हो जाएगा। दो कॉर्नर को मिला के एक बॉडी डायगोनल में है, आठ कॉर्नर है, तो कितना बॉडी डायगोनल होगा, चार। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू फोर, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू फोर, दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्क्रिप्शंस था किसके बारे में, क्यूब के बारे में, ठीक है, है ना। तो अब हम लोग अपने पार्ट पे आ जाते हैं बेसिकली, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे पहले हम लिख लेंगे, है ना, लिखेंगे इन दिस यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल एटम इज प्रेजेंट एट only in this unit cell atoms is present only at corner, atoms is present only at corner, है ना। अच्छा primitive unit cell का एक ही part होता है जिसको हम लोग बोलते हैं simple cubic, है ना, simple cubic unit cell। बात समझ में आ रहा, क्या बता रहे हैं, है ना। प्रिमिटिव में एक ही पार्ट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, जबकि नॉन प्रिमिटिव में चार आता है, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, जिसमें एटम बस कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें जिसमें एटम, इसमें तो बस एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, है ना। हम कॉर्नर को क्या बोले, सी से रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव एक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा और सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, है ना। एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा और सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, दिक्कत है नहीं ना। अब सेंटर क्या क्या हो सकता है किसी क्यूब में, है ना। कॉर्नर प्लस एक क्या हो सकता है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर समझते हो ना। जैसे जैसे ये हम लोग क्यूब है, है ना। बॉडी क्या हो गया, बॉडी सेंटर क्या हो गया, एकदम क्यूब के, रूम के एकदम बीच में, मतलब क्यूब के एकदम बीच में, वो क्या हो गया, बॉडी सेंटर, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि एटम कॉर्नर में प्रेजेंट हो और फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर समझते हो ना, फेस सेंटर समझते हो ना, यहाँ पे, ठीक है। थर्ड होता है एटम कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर प्लस एज सेंटर, कॉर्नर प्लस एज सेंटर, ठीक है ना। और एक और होता है एंड सेंटर, जिसको हम लास्ट में करवाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या आया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें एटम बस कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होता है और सेंटर पे। अब सेंटर क्या क्या हो सकता है, एटम कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है और कॉर्नर प्लस एज सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है, दिक्कत है नहीं ना। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, इन दिस यूनिट सेल atom is present at corner as well as center, that is body center, that is बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एज सेंटर, एंड एज सेंटर, दिक्कत है नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसके अंदर आता है, प्रिमिटिव के अंदर आता है, है ना। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या आता है, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एज सेंटर यूनिट सेल, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल है ना, इसमें लिखेंगे हम लोग एटम इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, एटम इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, एटम इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर है ना। देखिए बेसिकली ये हम लोग का यूनिट सेल है ना, एटम बस कहाँ प्रेजेंट होने वाला है, कॉर्नर पे है ना, मतलब इस कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होगा, इस कॉर्नर पे, 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 हर एक कॉर्नर पे एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा है ना। अब ये बेसिकली इस तरह से होगा कि है ना, यहाँ वाला कॉर्नर वाला एटम और यहाँ वाला कॉर्नर वाला एटम क्या करोगे, एक दूसरे को क्या करोगा, टच कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ वाला कॉर्नर वाला एटम यहाँ वाला क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, मतलब इस कॉर्नर से कौन कौन कॉर्नर जा रहा है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर और क्या है, एक ये कॉर्नर, तीन कॉर्नर है ना, तो ये कॉर्नर वाला एटम इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा है ना। अगर इसको हम लोग देखें तो ये कैसा दिखेगा, मतलब अगर यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से एक एटम प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये एटम क्या करेगा, इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, दिक्कत है नहीं ना। और एटम का जो सेंटर होगा ना, ये क्यूब का क्या होगा, कॉर्नर होगा, एटम का जो सेंटर होगा ये क्यूब का क्या होगा, कॉर्नर होगा, दिक्कत है नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या लिखेंगे, ये बात लिख लिए कि एटम इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर लिख लिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट है ना। अब लैटिस पॉइंट किसको हम लोग बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, एटम जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वही हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट, एटम जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वही हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट। तो हम लोग से पूछता है कि किसी यूनिट सेल में, एसएससी में, बीसीसी में, मतलब बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में, सिंपल वाले में कितना लैटिस पॉइंट है ना, तो बताइए इस क्यूब में कितना कॉर्नर था, आठ कॉर्नर, आठों कॉर्नर पे एटम जा रहा है, तो लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, आठ, लिख लीजिए लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू एट है ना, दिक्कत है नहीं ना। अब थर्ड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर, एंड एटॉमिक रेडियस आर है ना। एटॉमिक रेडियस को हम लोग क्या कंसिडर किए, आर, मतलब इसका जो रेडियस है, इस एटम का जो रेडियस है ये कैसा है, इसका रेडियस क्या है, आर है ना। और इसके एज लेंथ को हम लोग क्या लिए हैं, ए लिए हैं, इसके एज लेंथ को क्या लिए, ए है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिलेशन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, टू आर, दिक्कत है नहीं ना, आर प्लस आर है ना, ए इजकल टू टू आर, दिक्कत है क्या हो जाएगा, ए इजकल टू टू आर, किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ देखो, हाँ उसके बाद थर्ड हम लोग लिखेंगे जेड इफेक्टिव, थर्ड लिखेंगे हम लोग जेड इफेक्टिव, थर्ड लिखो जेड इफेक्टिव है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ, लिखो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है वो समझिए आप लोग है ना, वो समझिए आप लोग। जैसे ये हम लोग का क्यूब है, ये क्या हम लोग का क्यूब है ना, बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस एटम का पूरा पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, इस एटम का पूरा पार्ट इसमें नहीं आ रहा है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस एटम का कितना पार्ट बेसिकली इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम बता रहे हैं इस एटम का, इस एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में आता है, 1/8 पार्ट। अब वो कैसे होता है वो हम समझाते हैं, वो कैसे होता है वो समझाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये यूनिट सेल है,
ये यूनिट सेल है, इसके इसके ऊपर से देखे हुए तो कैसा दिखेगा? एक सेकेंड, पहले इसको हम हटा देते हैं। है ना, इस यूनिट सेल को अगर ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, अपर व्यू देख रहे हैं ना, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। अब ये एटम क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एटम क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है ना। अब बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम बताएं वो एक यूनिट सेल से तो नहीं बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते हैं तो क्या बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। इसका मतलब क्या कि ये यूनिट सेल यहाँ पे है तो एक यूनिट सेल यहाँ पे भी होगा, इस तरह से होगा एक यूनिट सेल, मतलब ये क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्यूब होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो यूनिट सेल क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, है ना, हर डायरेक्शन में यूनिट सेल क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा, है ना। अब ये दोनों है, ये यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो इन दोनों क्यूब के पीछे भी क्या होगा, दो क्यूब होगा। तो वो कैसे दिखा दें, इस तरह से दिखा दें, कैसे दिखा दें, इस तरह से, समझा रहा ना, समझा रहा ना। जैसे ये हम लोगों का रूम है, ये हम लोगों का रूम है, तो इधर भी एक रूम होगा, दो रूम हो गया, और इन दोनों रूम के पीछे भी दो रूम होगा, है ना। हम लोग एटम को कहाँ रखें, इस कॉर्नर पर रखें, एटम को कहाँ रखें, इस वाले कॉर्नर पर रखें, समझा रहा ना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया वन फ्लोर, अब क्या सेकेंड फ्लोर पे चार रूम इसके ऊपर भी हो सकता है, मतलब इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब हो सकता है, हो सकता है। अब नीचे चार क्यूब है, चार क्यूब मतलब एक एक क्यूब इधर हो गया ये वाला, ठीक है ना, दो क्यूब, ये दोनों क्यूब क्या हो जाएगा, इन दोनों क्यूब के क्या होगा, पीछे होगा। अब चूंकि 3D ज्योमेट्री और 2D बोर्ड है तो उसको लिमिटेशन हम लोग उतना ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या दिख रहा है कि चार रूम तो क्या हो गया, सेम प्लेन में हो गया, और चार रूम क्या हो गया, इसके ऊपर। तो क्या दिख रहा है कि एटम कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, आठ भाग में। एटम कितना भाग में डिवाइड हो गया, आठ भाग में। दिक्कत है, दिक्कत है किसी को? नहीं ना, प्रॉब्लम है, है ना। अब मतलब अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे होगा, है ना, एटम का ये आधा पार्ट नीचे वाले चार रूम में चला जाएगा, और एटम का ये आधा पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले चार रूम में जाएगा, है ना। और ये एटम भी क्या होगा, चार भाग में डिवाइड हो जाएगा, और ये एटम भी क्या हो जाएगा, चार भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब इसका 1/8 पार्ट ही क्या आ रहा है, इस यूनिट सेल में आ रहा है। दिक्कत है, नहीं ना, ये बात समझ में आया ना, आ गया ना समझ में ना। चार रूम नीचे है और चार रूम ऊपर है, है ना, ये एटम यहाँ पे है, है ना। तो ये एटम कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आठ भाग में डिवाइड होगा। अब चूंकि आठ भाग में डिवाइड हो रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/8। दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब देखिए, बताइए, इस यूनिट सेल में एक कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1/8। अब चूंकि हर एक कॉर्नर पे एटम है, हर एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा, 1/8। यहाँ से भी 1/8 आएगा एटम, यहाँ से भी 1/8 आएगा, यहाँ से भी 1/8 आएगा, यहाँ से भी 1/8 आएगा, यहाँ से भी 1/8, यहाँ से भी 1/8, और यहाँ से भी 1/8। तो बेसिकली जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, जेड इफेक्टिव अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जेड इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करें तो आठ कॉर्नर है हम लोगों के पास, कितना कॉर्नर, आठ कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर से कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1। दिक्कत है, नहीं ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये बात हम समझा पाएं कि कॉर्नर पे जो एटम होता है वो एटम देखने के लिए एक एटम है, लेकिन उसका 1/8 पार्ट ही इस रूम में आ पा रहा है, इस यूनिट सेल में आ पा रहा है, 1/8 पार्ट ही। मतलब आप सिंपली याद क्या रखेंगे, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। दिक्कत है, नहीं ना। अच्छा बताओ, अब एक यूनिट सिंपल SSC हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर कोई पूछे कि एक यूनिट सेल में कितना इफेक्टिवली एटम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में एक ही एटम आ रहा है। बात समझ में आ रहा ना, है ना। अब इसको थोड़ा 3D में हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे ये है हम लोगों का, है ना, ये है हम लोगों का एटम, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, है ना। हर कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये वाला इसको टच कर रहा होगा, है ना। दिक्कत है, नहीं ना। इधर से भी ये इस तरह से होगा, इधर से भी इस तरह से होगा, इधर से भी, है ना। तो ये क्या लग रहा है कि एटम का 1/8 पार्टी क्या आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है, लग रहा है ना। एटम का 1/8 पार्टी क्या आ रहा है, इस कॉर्नर पे आ रहा है। वैसे ही हर जगह क्या आ रहा होगा, 1/8 पार्टी आ रहा होगा। दिक्कत है, नहीं ना। हाँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग
एज लेंथ और आर में क्या रिलेशन निकाले थे, वन इजकल टू, सॉरी ए इजकल टू क्या निकाले थे, टू आर, है ना। तो हम लोग क्या, हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है आपका, जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या किए आप सर, ये हम किए एक एटम का, अब एटम तो क्या है स्फेरिकल, अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जेड इफेक्टिव से क्यों, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, एक यूनिट सेल में कितना एटम आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक एटम के क्या कर देंगे किससे, वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिक्कत है नहीं ना, इसको नोट कर लेंगे हम लोग जल्दी से। अब से हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम को वी ए लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को क्या लिखेंगे, वी यू सी। दिक्कत है हाँ। अब हम लोगों का यूनिट सेल जो क्या है वो क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। अभी हम लोग निकाल चुके ए इक्वल टू क्या होता है, 2r, तो 2r का क्या हो जाएगा होल क्यूब, है ना। ये कितना आ जाएगा बताओ, 8r क्यूब। दिक्कत है नहीं ना, हाँ इसको लिख लीजिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। अब हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दो चीज कैलकुलेट करेंगे, एक पैकिंग फ्रैक्शन और एक क्या कर कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगा। लेकिन ये सब कैलकुलेट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, है ना। अब देखिए, ये जो यूनिट सेल हम लोगों का था, ये जो यूनिट सेल हम लोगों का था, है ना, एटम इस तरह से कुछ प्रेजेंट था, हर एक कॉर्नर पे इस तरह से प्रेजेंट था ना, इस तरह से, है ना। तो बेसिकली क्या ये एटम क्यूब के पूरे पार्ट को पैक कर पा रहा है, क्यूब के पूरे पार्ट को पैक नहीं कर पा रहा है ना। तो वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बेसिकली एटम किसी क्यूब को कितना पैक कर पा रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, मतलब हाँ, मतलब अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम 1 है तो 1 में से वो कितना उसको पैक कर पा रहा है, या फिर इफिशियंसी निकालना होगा तो 100 में से वो कितना परसेंट उसको ऑक्यूपाई कर पा रहा है। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत है नहीं ना। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है आपका, वी ए है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, वी यू सी, है ना। इसको तो हम हटा देंगे अभी, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ एटम का बात करें तो क्या हो जाएगा बताए, 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना, यही आया अभी हम लोग यही कैलकुलेट किए थे। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना कैलकुलेट किए, 8r क्यूब, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 6, है ना। देखिए तो वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये वैल्यू, जीरो पॉइंट 0.524, है ना। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन को हम बोल रहे हैं पीएफ, क्या बोल रहे हैं, पीएफ, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, कितना हो जाएगा 100, है ना। तो ये आपका क्या लग रहा है, कितना आ रहा है, मतलब 0.524 इनटू 100 कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स भी कितना आ जाएगा, 52.4%, कितना आ रहा है, 52.4%। दिक्कत है,
कितना आ रहा है 52.4%, है ना। तो कहने का मतलब है कि यूनिट सेल में एटम का ओनली 100 में से 52.4% ही क्या हुआ, पैक्ड हुआ, है ना। अब बाकी स्पेस क्या हो गया, खाली रह गया, है ना। तो हम लोग परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या फिर परसेंटेज वाइट, वाइट मतलब क्या होता है, एटम के अलावा जो जगह बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट बोलते हैं। एटम के अलावा जो बच गया उसको जगह क्या बोलते हैं, वाइट, या फिर परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, है ना। तो अगर परसेंटेज अगर वाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। अब पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया है, 52.4%। ये कितना आ रहा है बताओ अप्रॉक्स में, जल्दी से कोई बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 47.6%, है ना। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना जगह खाली रह गया, 47.6%, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो हम बताते हैं, है ना। किसी भी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एटम को कितना एटम क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बात समझ में आ रहा ना, किसी भी एटम को, जैसे अगर हम लोग एक यूनिट सेल बनाएं, एक यूनिट सेल हम लोग बनाए, है ना, हम लोग यहाँ वाला एटम को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, यहाँ वाला एटम, है ना। बेसिकली इस एटम को कितना एटम क्या कर रहा है, टच कर रहा है, डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफिनेशन हम लिखवा देंगे, पहले इस बात को समझ लेते हैं ना। अब देखो क्या ये कॉर्नर वाला एटम इसको टच कर रहा है, कर रहा है अभी, बताएं, बताए थे कॉर्नर वाला एटम क्या करता है, टच करता है। हाँ, ये कॉर्नर वाला एटम टच नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसके बगल में जो कॉर्नर है वो क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो एक तो यहाँ से मिल गया, एक यहाँ मिल गया, दो और एक तीन, दिक्कत है नहीं ना। लेकिन बताओ क्या सॉलिड एक ही यूनिट सेल से बना हुआ, नहीं। यूनिट सेल का क्या है, रिपीटिशन है। रिपीटिशन मतलब इस यूनिट सेल के चारों तरफ क्या है, यूनिट सेल है। मतलब इसके इधर भी यूनिट सेल है, इसके इधर भी यूनिट सेल है, इसके इसके सामने भी है, इसके बैक में भी है, इसके ऊपर में भी है और इसके नीचे में भी है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमेशा ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये अकेला यूनिट सेल नहीं है, इसके चारों तरफ क्या है, यूनिट सेल है। जैसे हम लोग जेड इफेक्टिव भी कैलकुलेट किए थे तो 8 रूम एज्यूम करके किए थे, वो कॉर्नर, ये कॉर्नर कितने रूम से घिरा हुआ था, 8 रूम से घिरा हुआ था। तो हम लोग जेड इफेक्टिव बोले थे कि 1/8 आ रहा है, बताया था ना, जेड इफेक्टिव कितना बताया था, 1/8, है ना। अब देख रहे हैं तो एक यूनिट सेल इधर भी होगा इस तरह से, है ना। अगर हम लोग बात करें तो एक यूनिट सेल इस तरह से इधर भी होगा, एक यूनिट सेल इधर भी होगा, है ना। तो एक एटम इस यहाँ वाला जो एटम है इसको भी टच कर रहा होगा, जब यहाँ वाला होगा टच कर रहा है तो यहाँ वाला को भी टच कर रहा है, समझ में आ रहा, कितना हो गया, 4। अब देखियो, अब ये जो है, इन दोनों रूम के पीछे भी दो रूम है इधर की तरफ, है ना, इन दोनों रूम के पीछे भी दो रूम है इधर की तरफ होगा, है ना। तो यहाँ वाला आइटम इसको भी टच कर रहा होगा, समझ आ रहा ना, 1, 2, 3, 4, 4 आइटम हमें मिल गया सेम प्लेन में, एक नीचे। तो इन चारों रूम के ऊपर भी 4 रूम होने वाला है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक और, समझ आ रहा ना। ये वाला आइटम कहाँ से आया, ऊपर में जो रूम है ना उससे आया, मतलब 4 सेम प्लेन में मिल रहा है, एक नीचे और एक ऊपर। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, CN। कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा, है ना, है ना। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साथ में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन भी लिख लेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन भी लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर इन द गिवन यूनिट सेल, इन द गिवन यूनिट सेल इज नोन एज
कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, है ना। और एक लाइन और उसमें ऐड करेंगे, है ना, एंड दैट एटम्स, एंड दैट एटम्स आर नोन एज, एंड दैट एटम्स आर नोन एज नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। इसका मतलब क्या है वो समझिए आप लोग, इसका मतलब क्या है वो समझिए, है ना। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है बेसिकली, कि इस एटम से सबसे नज़दीक वाला एटम कौन है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं, जो सबसे नज़दीक वाला एटम है, है ना। बेसिकली देखो एक चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हम लोगों का घर है, ये क्या हम लोगों का घर है, है ना। अब लगातार फ्लैट है, मतलब लगातार फ्लैट है ना, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, ये वाला हम लोगों का है घर है, ठीक है। अब ये वाला जो पड़ोसी होगा, इस पड़ोसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर, क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर, है ना। अब इसके बाद वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और उसके उसके बाद भी होगा, अगर उसके बाद भी होता तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। दिक्कत है नहीं ना, इसका मतलब आप लोग लिख लेना, पहले बात को समझो, है ना। तो क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जो नियरेस्ट नेबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा, जो नियरेस्ट नेबर वाला होगा वही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो नियरेस्ट नेबर वाला एटम वो एटम होता है जो एटम क्या करता है, जिससे हम लोग देखते हैं उसको क्या करते रहता है, टच करते रहता है। लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला एटम इसको टच नहीं करेगा, नियरेस्ट नेबर वाला एटम टच करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो एटम है वही क्या हमारा, नियरेस्ट नेबर वाला भी क्या है, एटम है। दिक्कत है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो एटम वही क्या हमारा, नियरेस्ट नेबर वाला भी क्या है, एटम है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हाँ, तो देखो कभी कभी IIT में मतलब क्वेश्चन ऐसे दे देता है, मतलब जनरल मतलब क्वेश्चन ऐसे बन जाता है ना, इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज दिस। अब इसका मतलब क्या है, दो नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, मान लो कुछ भी दिया, 1.5 दिया हुआ, तो इट मीन्स क्या दिया हुआ, 2R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ, 2R इज इक्वल टू क्या दिया, 1.5। दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत नहीं है, है ना। टू नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो ये, है ना। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें, है ना, तो देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम लोग बात करें, है ना, नियरेस्ट नेबर का, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का, है ना। अब बताओ अगर इस एटम से ही देखें तो नियरेस्ट नेबर वाला कितना डिस्टेंस में मिल रहा है, ए डिस्टेंस में मिल रहा है, प्रॉब्लम है नहीं ना, है ना। हाँ, अब इस एटम को देखेंगे, इस एटम को, अब एटम या फिर इससे, इस एटम से या फिर एटम ए डिस्टेंस पे भी मिलेगा, या फिर रूट टू ए डिस्टेंस पे मिलेगा, या फिर कितना मिलेगा, रूट थ्री ए डिस्टेंस पे, पॉसिबिलिटी यही है ना। एटम या फिर ए ही डिस्टेंस पे मिल सकता है, या फिर रूट टू ए डिस्टेंस पे मिलेगा, या फिर रूट थ्री ए डिस्टेंस पे मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर बात करें, है ना, अगर हम लोग नियरेस्ट नेबर का बात करें, है ना, नियरेस्ट नेबर का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, डबल एन, ठीक है ना। तो ये कितना डिस्टेंस पे मिलेगा, ए डिस्टेंस पे, कितना मिलेगा, ए डिस्टेंस पे। दिक्कत है, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट समझते हो ना, जस्ट इसके बाद वाला, वो कितना डिस्टेंस पे मिलेगा, रूट टू ए पे मिलेगा, कितना मिलेगा, रूट टू ए, इसमें प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो वो कितना डिस्टेंस पे मिलेगा, रूट थ्री ए पे मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। नियरेस्ट नेबर का बात करें तो ए, उसके बाद रूट टू ए, उसके बाद रूट थ्री ए, ठीक है ना। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बात करें, नियरेस्ट नेबर कितना डिस्टेंस में मिलता है, तो ए, नेक्स्ट नियरेस्ट कितना मिलता है, रूट टू ए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितना मिलता है, तो रूट थ्री ए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट अगर पूछ दे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला एटम कितना है, ये तो हम लोग डिस्टेंस निकालें, अब ऐसा पूछ दे कि रूट टू ए, इस एटम से रूट टू ए डिस्टेंस वाला कितना एटम होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, है ना। वो थोड़ा हम समझाने, वैसे तो 3D में है लेकिन थोड़ा विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ध्यान सुनना, है ना। देखो एक तो ये एटम होगा, थोड़ा पेन हम चेंज करके बताते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मतलब विजुअलाइज होगा इससे। क्या एक ये एटम रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा, होगा
ये भी एटम रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा, होगा, और ये भी एटम रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा, मतलब यही तीन एटम जो है वो कौन सा डिस्टेंस पे, रूट टू ए डिस्टेंस पे है। प्रॉब्लम है नहीं ना, मतलब कहने का मतलब है एक यूनिट सेल में कितना एटम मिल गया, रूट रूट टू ए डिस्टेंस वाला कितना मिला, तीन। लेकिन हम लोग कॉर्नर से देखते हैं तो कितना रूम सोच के चलना पड़ता, आठ रूम। बेसिकली ये कॉर्नर कितना रूम से शेयर होता है, आठ रूम से। अभी बताए थे कि जैसे मान लो कि ये कॉर्नर है ये वाला, तो ये चार तो सेम प्लेन में मिल गया, और चार इस चार इसके चार जस्ट ऊपर, मतलब इस कॉर्नर का बात करें तो कितना रूम से घिरा हुआ है, आठ रूम से। तो बेसिकली हम लोग इस एटम को देख रहे हैं तो हम लोग को हमेशा किससे सोचना होगा, आठ रूम से। अब एक रूम में कितना आ रहा है, तीन, तो आठ रूम में कितना आएगा, 24। आपके अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग 8 3 क्या हो जाएगा, 24। तो आप लोग बोलोगे कि सर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला आइटम कितना आएगा, 24। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये बाबू क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग हर एक आइटम को क्या किए, दो बार काउंट कर लिए। अब इस वाले आइटम इसको देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो हम लोग इसको दो बार काउंट कर लिए। कैसे, एक तो नीचे वाले रूम में काउंट कर लिए, और एक ऊपर वाले रूम में भी क्या कर लिए, काउंट कर लिए। बात समझ आ रहा ना, दिक्कत है नहीं ना। अब इस डिस्टेंस का अगर इसका बात करें तो इस रूम में भी काउंट कर लिया, इसके बगल में जो रूम है उसको भी काउंट कर लिया दो बार, मतलब एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बार काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टू से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला एटम कितना मिल जाएगा बताओ, कितना मिल जाएगा, 12। और ए नियरेस्ट नेबर वाला तो 6 ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो ये 6 होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना, 24 नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि हर एक को हम लोग क्या कर लिए, दो बार काउंट कर लिए थे, हर एक को क्या किए थे, दो बार काउंट कर लिए थे। तो बेसिकली क्या करिए, दो से क्या कर दिए, डिवाइड। लास्टली हम क्या बताएंगे, ट्रिक एक बता देंगे, उतना करना नहीं, हम बता देंगे ट्रिक कि इतना डिस्टेंस वाला आइटम इतना मिलेगा, इतना डिस्टेंस वाला आइटम इतना मिलेगा, इतना डिस्टेंस वाला आइटम इतना मिलेगा। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा 3D में क्या करना है, विजुअलाइज करने का। लास्ट में ट्रिक बताएंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। हाँ, अब बात करते हैं रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला, है ना, रूट थ्री ए वाला। है ना, अब हम लोग ब्लू मार्कर से जो मार्क कर रहे हैं वो क्या है, रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला। ये कौन सा डिस्टेंस वाला है, रूट थ्री ए। और कोई इस यूनिट सेल में और कोई एटम है जो रूट थ्री ए पे होगा, नहीं, यही एक एटम है जो क्या है, रूट थ्री ए पे है ना। मतलब एक यूनिट सेल में रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला कितना मिल रहा है, एक। तो हम लोग को हमेशा कितना रूम से सोचना पड़ता है, आठ रूम से। तो इस रूम में भी रूट थ्री, इस रूम में भी यहाँ पे मिल जाएगा रूट थ्री ए डिस्टेंस पे दो, फिर इन दोनों रूम के पीछे जो दो रूम होगा उसमें भी मिलेगा दो, चार हो गया, और चार रूम ऊपर। तो रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला कितना मिल जाएगा आपको, आठ मिलेगा। दिक्कत है, प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ, तो अब सुनो, अब ओवरऑल कंक्लूजन पहले नोट करो, फिर कंक्लूजन ओवरऑल इसका निकालते हैं हम लोग, है ना। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं हम लोग, देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम या फिर ए डिस्टेंस पे मिल रहा था, या फिर रूट टू ए पे मिल रहा था, या फिर रूट थ्री ए पे मिल रहा था। क्लियर है, ठीक है ना। सबसे नज़दीक वाले को हम लोग बोले नियरेस्ट नेबर, अब वही हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद वाले को क्या बोले, रूट टू ए वाला को क्या बोले, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और उसके बाद क्या बोले, रूट थ्री ए वाला को क्या बोले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, है ना। हम लोग डिस्टेंस भी पता किए, और क्या पता किए कि उसका नंबर कितना होता है, नियरेस्ट नेबर का नंबर कितना हुआ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना। एक साइड में हम लोग ट्रिक भी लिख के रखेंगे, अब से साइड में एक ट्रिक भी लिख के रखेंगे, है ना, है ना। अब हम एक ट्रिक ही आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ए या फिर ए बाई टू, एटम प्रेजेंट हो या फिर ए या ए बाई टू, उसका नंबर हमेशा, नंबर ऑफ एटम जो मिलेगा, नंबर ऑफ एटम जो मिलेगा वो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब ए डिस्टेंस वाला या फिर ए बाई टू हमेशा कितना मिलेगा, 6, है ना। रूट टू ए हो या फिर रूट टू ए बाई टू वाला हो, है ना, ये एटम, ये नंबर ऑफ एटम हमेशा आपको मिलेगा कितना, 12, है ना। या फिर रूट थ्री ए पे हो या फिर रूट थ्री ए बाई टू पे हो, ये हमेशा आपको मिलेगा 8 मिलेगा, है ना। ये धीरे धीरे हम लोग देख भी लेंगे, प्रूफ भी करते चले जाएंगे कि कैसे मतलब मिला, है ना। अभी लिख के रखेंगे इस चीज़ को, है ना, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसमें प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ, तो अब ओवरऑल हम लोग समराइज करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग क्या क्या पढ़े, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम बस कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है ना। हम लोग ऐसा देखिए,
इस मतलब कहने का मतलब है कि हर कॉर्नर वाला आइटम एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। जैसे ये कॉर्नर को देखे थे, इस कॉर्नर से बगल में जितना भी कॉर्नर होगा ए डिस्टेंस वाला, उसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा देखें कि सिंपल क्यूबिक रिलेशन में आठों कॉर्नर पर आइटम प्रेजेंट होता है, इसलिए लैटिस पॉइंट कितना हो गया, आठ हो गया। उसका जेड इफेक्टिव देखें, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम किसी यूनिट सेल में। हम लोग ऐसा देखें कि जेड इफेक्टिव कितना आ रहा था, वन आ रहा था, क्योंकि हर एटम का कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/8। कॉर्नर वाला एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। अब हम लोग याद रखें कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, है ना। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम निकाले, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकाले, उन दोनों के हेल्प से क्या निकाले थे, पैकिंग फ्रैक्शन निकाले थे। उसके बाद क्या कैलकुलेट किए थे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किए थे, जो कि आ रहा था आपका 52.4%। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे परसेंटेज ऑफ वॉइड। परसेंटेज ऑफ वाइड निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में से क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को या 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उसके बाद हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट नियरेस्ट नेबर। उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वगैरह क्या होता है। अब जितना काम किए हैं ना हम लोग, अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, बॉडी सेंटर के लिए भी वही काम करेंगे, फेस सेंटर के लिए भी वही काम करेंगे, और आगे भी जो भी यूनिट सेल होगा उनके लिए भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, है ना। तो अब सेकेंड हम लोग लिखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी, सबसे पहला बात, बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसमें जो एटम प्रेजेंट होगा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर, है ना। एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। अब देखो, है ना, अब देखिए ये बॉडी, ये क्या है, बॉडी पे क्या है, एटम है ये वाला, ठीक है ना। बॉडी पे क्या है, एटम है ना। बेसिकली इस रूम के एकदम क्या होगा, बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कौन सा एटम टच करता था, कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम टच करता था, ठीक है ना। अब बॉडी सेंटर में क्या होगा, अब कॉर्नर कॉर्नर वाला, अब क्या होगा, यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट होगा, हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। हम बताना क्या चाह रहे वो सुनो, है ना। जैसे ही एटम बॉडी पे गया ना, अब इनका कॉन्टेक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब अब कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा, इसका रीज़न ये है, बेसिकली बीच में जो खाली जगह बन रहा है ना वाइड, उसका स्पेस उतना बड़ा नहीं है। हम लोग क्या किए, इतना ही बड़ा एटम को क्या किए, बॉडी में जाके रखे। जैसे ही बॉडी में जाके रखे ना, ये सब एटम क्या हो गया, दूर दूर हो गया। कॉर्नर वाला एटम सब क्या हो गया, दूर दूर हो गया, है ना। मतलब अब क्या है कि अब ये वाला एटम किसको टच कर रहा है, क्या इस कॉर्नर वाले को टच कर रहा, कर रहा होगा, इस कॉर्नर वाला एटम को भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, और इसको भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, इसको भी 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 टच। मतलब अब जो बॉडी में जो एटम रखे हैं ना, वो जितना भी कॉर्नर है, आठ कॉर्नर, आठों कॉर्नर वाला एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। लेकिन आप लोग बताओ, क्या अब इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट होगा, नहीं। क्या इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट होगा, नहीं। क्या इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट होगा, नहीं। मतलब सिंपल में जो हो रहा था, अब वो इसमें नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और, अब जो हम लोग इसका एज लेंथ लिखेंगे ना, अब बॉडी डायगोनल के अलोंग लिखेंगे। क्यों बॉडी डायगोनल के अलोंग लिखेंगे, क्योंकि अब जो एटम टच कर रहा है, अब बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम टच कर रहा है, क्योंकि ये वाला एटम इसको टच कर रहा है और ये वाला भी एटम क्या करेगा, इसको टच करेगा। बात समझ आ रहा ना, है ना। अब इसको एक सिंपल डायग्राम में बना के, इसको 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 कॉपी मत कीजिएगा, हम जो बना रहे हैं उसको कॉपी कीजिएगा, है ना। ठीक है, बॉडी वाले आइटम को हम ये बना रहे हैं, ये क्या हम लोग का बॉडी वाला आइटम कौन सा है, बॉडी वाला आइटम, है ना, ये सब कॉर्नर वाला। एक बार फिर से आप लोग बताओ, क्या ये आइटम इसको टच कर रहा होगा, कर रहा होगा, ये आइटम भी इसको टच कर रहा होगा, ये आइटम भी इसको टच कर रहा होगा, ये आइटम भी इसको टच कर रहा होगा। अब बनाने में तो फिर बनाएंगे तो गंदा बन जाएगा, फिर ये आइटम भी इसको टच कर रहा होगा, ये भी इसको टच कर रहा होगा, ये भी इसको टच कर रहा होगा, ये भी, लेकिन ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर ये एज लेंथ ए है ना,
ये किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, क्या होगा कुछ इस तरह से, मतलब ये सब आपस में एटम सब क्या कर रहा होगा, टच नहीं कर रहा, ये सब एटम आपस में टच नहीं कर रहा होगा, मतलब ए इक्वल टू हम लोग 2R नहीं लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2R नहीं लिख सकते क्योंकि R हो गया और ये R हो गया, बीच में तो खाली जगह बच गया ना, तो ए इक्वल टू 2R नहीं लिख सकते, है ना। तो अब किसके अलॉन्ग लिखना होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, ये एटम इसको टच कर रहा था और ये एटम इसको भी टच कर रहा था, मतलब एटम किसके अलॉन्ग टच कर रहा है, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, एटम किसके अलॉन्ग टच कर रहा है, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, बात समझ में आ रहा ना। अब देखो तो ए, अब रूट टू, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, रूट थ्री है, कितना होता है, रूट थ्री है ना। तो अब रूट थ्री है इसका टू क्या हो जाएगा, ये वाला एटम का क्या रेडियस आर, इस वाले एटम का रेडियस आर और इसका क्या डायमीटर 2R और इस एटम का भी रेडियस क्या R, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 4R, रूट थ्री इसका टू क्या हो जाएगा 4R, है ना। अब इसमें अगर बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे, मतलब इस तरह से कुछ बनाएंगे, है ना, लेकिन थोड़ा गंदा बन जाएगा, है ना। तो हम लोग समझ के रखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, रूट थ्री है, इसका डायमीटर हम लोग लेंगे, इसका रेडियस लेंगे और इसका भी क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, तो रूट थ्री इसका टू क्या हो जाएगा 4R। तो बी सी सी में हम लोग क्या याद रखेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, दैट इज रूट थ्री इक्वल टू 4R, तो मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4R बाई रूट थ्री। इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। अच्छा आप लोग लैटिस पॉइंट तो बताए ही नहीं, लैटिस पॉइंट कितना होगा, एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, कितना कॉर्नर था 8 कॉर्नर, अब बॉडी सेंटर तो एक ही है, मतलब लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो बी सी सी में हम लोग नोट करके रखेंगे लैटिस पॉइंट कितना होता है 9 होता है, है ना, लैटिस पॉइंट कितना होता है 9। रिलेशन तो निकाल ही लिए, फोर्थ हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, देखिए फोर्थ हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किए थे, है ना। अच्छा इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है कि मतलब ये रूट थ्री ए वाला ही क्यों ले रहे हैं, रूट थ्री ए वाला क्योंकि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अब जो एटम ये कॉर्नर वाला एटम भी बॉडी वाला को टच कर रहा होगा और इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट जो नीचे कॉर्नर है वो भी बॉडी वाला क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, तो इसीलिए ये वाला डिस्टेंस लिया, रूट थ्री इक्वल टू 4R, समझ में आ गया। हाँ उसके क्या जेड इफेक्टिव ना, हाँ अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। अब बताओ एक चीज, कितना कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन अभी हम पता कर लिए थे 1/8, ये कितना मिल गया 1, अब तो 1 नहीं आया क्योंकि बॉडी सेंटर पे भी एटम है, अब जो बॉडी सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो क्यूब के क्या है एकदम बीचे बीच, क्यूब के क्या है एकदम बीचे बीच, इसमें प्रॉब्लम है नहीं ना। अब क्यूब के एकदम बीचे बीच है तो बॉडी में जो एटम जा रहा है वो किसी यूनिट सेल में नहीं आ रहा, वो एकदम अंदर है, मतलब वो इसी का पार्ट है ना, वो इसी का पार्ट है, तो बॉडी सेंटर वाला एटम कितना है 1, और 1 क्या है उसका कंट्रीब्यूशन, ये किसको लिख रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, कितना में बट रहा है, ये भी क्या है कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम पूछे कि क्या बॉडी, अगर हम पूछे क्या बच्चों बताओ कि बॉडी सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 1, लेकिन अगर कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे 1/8, बॉडी वाला कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1, बॉडी वाला एटम ऐसा एटम है जो कहीं बट नहीं रहा, वो उसी का पार्ट है ना। तो बताइए ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितना आ गया 2, है ना। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब जेड इफेक्टिव कितना है 2, एक एटम का वॉल्यूम कितना बताइए 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए 8/3 पाई आर क्यूब, इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, ये नोट कर लिया आप लोग इस पर आ गए। क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा ए क्यूब, और अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे रूट थ्री ए इक्वल टू क्या होता है 4R, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R, ये तो हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे 4R बाई रूट थ्री का क्या कर देंगे होल क्यूब, बताइए कितना आ रहा है आप लोग, क्या 64R क्यूब अपॉन 3 रूट थ्री आ रहा है, सबका आ रहा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा ये, है ना। हाँ तो क्या हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। इसको तो इरेज कर दे, हो गया होगा, है ना। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डिफिनेशन हम कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ एटम आपका क्या आया था, क्या 8/3 पाई आर क्यू, यही। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आया, 64 r³ अपॉन 3√3। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है बताइए, एनी वन, कितने आते हैं? हाँ ओवरऑल ओवरऑल बताइएगा कितना आ रहा है, √3π/8 यही आ रहा था ना, √3π/8 यही आ रहा था, है ना। इसको हम लोग पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। और पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन इतना आया, √3π/8 इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आता है, 68% आता है ना, कितना आता है 68%, है ना। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओ, थोड़ा विजुअलाइज करो चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आ रहा था पैकिंग फ्रैक्शन, 52.4, कितना आ रहा था 52.4, बीसीसी में कितना आया बॉडी सेंटर में, 68%। पैकिंग फ्रैक्शन सॉरी मतलब पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना, पहले 52.4 था अब कितना हो गया 68%। इट मीन्स क्या मतलब, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या, वो तो बढ़ना ही था, क्यों बढ़ना था, क्योंकि अब क्या हुआ बॉडी पे भी क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा आइटम आया, बॉडी पे भी क्या आया एक एक्स्ट्रा आइटम, अब बॉडी पे एक एक्स्ट्रा आइटम आया तो पैकिंग एफिशिएंसी तो बढ़ना ही था, समझ में आ रहा ना, मतलब नंबर ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है तो पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा, ज़्यादा पैक। अच्छा बताओ अगर दोनों यूनिट सेल में बोले कौन सा यूनिट सेल ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, तो जिसमें पैक्ड होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये ज़्यादा अच्छा पैक्ड है तो यूनिट सेल ज़्यादा बेहतर होगा, वो कम पैक्ड रहा है ना। अच्छा क्या हम लोग परसेंटेज ऑफ वॉइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है, क्या हो जाएगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी पी, है ना, बताइए कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 32%, है ना, कितना आ जाएगा 32%। इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, नोट कर लेंगे हम लोग 32%, है ना, बस कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे, है ना, इसको हटा दें, इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। अब मेन इसका पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोग बता सकते हो क्या। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले ये चीज़ बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एटम कितना एटम को क्या कर रहा, टच कर रहा। अच्छा एक चीज़ बताओ, बॉडी में जो एटम रखे हैं वो किसको किसको टच कर रहा, क्या कॉर्नर वाला एटम को टच कर रहा, कितना कॉर्नर है 8 कॉर्नर है, मतलब 8 कॉर्नर वाला अगर टच कर रहा होगा तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हो गया 8 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, दिक्कत है नहीं ना। अब बॉडी में जो एटम है वो 4 ऊपर वाला कॉर्नर 4 नीचे वाला कॉर्नर को टच कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, दिक्कत है नहीं ना। जैसे अगर यहाँ से निकालना चाहें, ये है ना बॉडी में क्या है एटम, है ना, ये। अच्छा एक चीज़ और, ये जितना भी एटम है ना ये सारा एटम क्या है आइडेंटिकल है, सब आर रेडियस वाला एटम है, ठीक है ना। हाँ तो ये एटम इसको भी टच कर रहा है, 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 इसको भी टच, 4 5 6 7 8, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, प्रॉब्लम है नहीं ना, प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। अच्छा एक चीज़ को देखो, बॉडी वाला सेंटर से तो देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैलकुलेट हो रहा है, क्या कॉर्नर वाला से भी देखेंगे तो उतना ही आना चाहिए, कॉर्नर वाला से भी देखेंगे तो क्या होगा उतना ही आएगा। अब देखो इस कॉर्नर वाला, इस कॉर्नर से देखेंगे तो इस एटम को टच कर रहा है, मतलब एक रूम में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये कॉर्नर कितना रूम से जुड़ा हुआ है, 8 रूम से जुड़ा हुआ है, 8 रूम से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
मतलब इस रूम में भी बॉडी सेंटर पे आएगा, और इधर जो रूम हम लोग बनाएंगे इस तरह से, इधर जो हम लोग रूम बनाएंगे इस तरह से, मतलब जो यूनिट सेल बनाएंगे है ना, इस तरह से जो यूनिट सेल हम लोग यहाँ पे बनेगा, इसके भी बॉडी पे होगा दो, दो इन दोनों रूम के पीछे चार, और चार ऊपर होगा यूनिट सेल, उसमें भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, एट हो जाएगा। प्रॉब्लम है नहीं ना, मतलब बॉडी वाले से भी देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आठ, और कॉर्नर वाले से भी देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आठ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज़, क्या हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर ही हम लोगों का नियरेस्ट नेबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्या होता है, नियरेस्ट नेबर है ना, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस पे है, रूट थ्री ए बाई टू, इसको रूट थ्री ए बाई टू, ये वाला डिस्टेंस जब रूट थ्री ए था तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए बाई टू हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए बाई टू, क्योंकि पूरा था है ना इसका नंबर। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हम ट्रिक से तो बताए भी थे कि रूट थ्री ए बाई टू वाला कितना मिलता है, रूट थ्री ए हो या फिर रूट थ्री ए बाई टू हो, कितना मिलता है, आठ मिलता है। क्लियर है, ट्रिक बताए थे, देखो प्रूफ भी हो गया ना, ट्रिक बताया था कि रूट थ्री ए बाई टू वाला कितना मिलता है, आठ, अब प्रूफ भी हो गया, वो प्रूफ होता चला जाएगा। सुनो एक चीज़ और, इस कॉर्नर से देखेंगे तो एटम या फिर रूट थ्री ए बाई टू पे मिलेगा, या फिर ए डिस्टेंस पे मिलेगा, या फिर रूट टू ए पे मिलेगा, या फिर कितना मिलेगा, रूट थ्री ए पे मिलेगा। मतलब एटम कहाँ कहाँ मिल रहा है, रूट थ्री ए बाई टू पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, रूट टू ए पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, रूट थ्री ए पे मिल रहा है, यही ना, ठीक है। एक बार फिर से इसको आठ आके मैं बनाता हूँ, अलग अलग पेन यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, हम लोग इससे देख रहे हैं, ठीक है ना। बताओ ये जो तीनों ब्लैक वाला बनाया है ये कितना डिस्टेंस पे है, ब्लैक वाला ए डिस्टेंस पे है ना, ये जो ग्रीन वाला है ये कितना डिस्टेंस पे है, ग्रीन वाला कितना डिस्टेंस पे है, रूट थ्री बाई टू, इसमें प्रॉब्लम है नहीं ना। हाँ अब देखिए, जो रेड से बना रहे हैं ये और ये कितना डिस्टेंस पे है, रूट टू ए डिस्टेंस पे है ना, और लास्ट जो ब्लू से बनाए हैं वो कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, रूट थ्री ए डिस्टेंस पे है, ठीक है यही ना। हाँ अब देखो, ये हमारा नियरेस्ट नेबर हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। दिक्कत है, अभी आईआईटी अभी इतना लेवल तक तो नहीं, इतना आगे तक अभी नहीं गया, लेकिन पढ़ने के लिए पूछने के लिए पूछ सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है ना। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या है, ए है, ए वाला कितना मिलता है बताओ, ए डिस्टेंस वाला सिक्स मिलता है, ये है ना, ट्रिक बताया था ना वहाँ, ए डिस्टेंस वाला कितना मिलता है सिक्स, बताओ रूट टू ए वाला कितना मिलता है, ट्वेल्व, और रूट थ्री ए वाला कितना मिलता है, ठीक है ना। अब इसको फिर से करने जाएंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, देखो ए वाला एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ तीन, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा चार, एक यहाँ मिलेगा पाँच, एक ऊपर छः, बताए थे अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट वाला बताए छः है ना, रूट थ्री ए बाई टू वाला तो आठ बता ही दिए, रूट टू ए वाला भी बताए थे पिछले वाला में, रूट टू ए वाला कितना मिला था, एक रूम से तीन मिल रहा था तो आठ रूम से तो कितना मिला था, ट्वेंटी फोर, दो से डिवाइड कर दिए तो कितना मिला, ट्वेल्व, और रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला ही बताए थे पिछले बार में है ना, एक रूम में रूट थ्री ए डिस्टेंस वाला एक मिल रहा है तो आठ रूम में कितना मिल जाएगा, आठ मिल जाएगा है ना। तो अब सिंपली अब क्या करेंगे, इतना रायता नहीं फैलाएंगे, अब सिंपली हम लोग क्या याद रखेंगे कि ए डिस्टेंस ए या ए बाई टू वाला कितना मिलेगा सिक्स, रूट टू ए वाला कितना मिलेगा ट्वेल्व, रूट थ्री ए बाई टू और रूट थ्री ए वाला कितना मिल जाएगा आठ, और रूट टू ए और रूट टू ए बाई टू वाला कितना मिलेगा ट्वेल्व मिलेगा। क्लियर है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इतना ही काम किए थे, बॉडी सेंटर में भी क्या किए, इतना ही काम किए है ना। एक बार बॉडी सेंटर को फिर से हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं है ना। बताओ, अच्छा एक चीज़ बताओ, बॉडी सेंटर वाला किसके अंदर आता है, प्रिमिटिव के अंदर या नॉन प्रिमिटिव के अंदर, नॉन प्रिमिटिव के अंदर, क्यों, क्योंकि एटम सेंटर पे भी प्रेजेंट है, नॉन प्रिमिटिव वही होता है कि एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो एज वेल एज सेंटर पे, सेंटर पे मतलब बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट था। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 8 प्लस 1 9, ठीक है। जेड इफेक्टिव
कॉर्नर से वन मिल रहा था और बॉडी से वन मिल रहा था, वन प्लस वन टू, ठीक है, जेड इफेक्टिव भी हो गया. उसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम भी कैलकुलेट किए थे. अच्छा, इसमें एज लेंथ और आर में रिलेशन क्या था, रूट थ्री एज कल टू फोर आर. हम लोग उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम कैलकुलेट किए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट किए, पैकिंग फ्रैक्शन भी देखें और पैकिंग एफिशिएंसी भी देखें. पैकिंग एफिशिएंसी 68% आ रहा था, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आ रहा था, 32%, ठीक है. उसके बाद हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में कितना होता है, 8, वही हमारा क्या है, नियरेस्ट नेबर. अब पूछ दे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तो कितना हो जाएगा, 6, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट 8, है ना, क्लियर है, नहीं ना, ठीक है. अब हम लोग करेंगे FCC करेंगे और उसके बाद S सेंटर करेंगे ना, थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है ना.